नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आज आपके सामने भारतीय संविधान की अनुसूचियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मोस्टली अनुसूचियों में हम शुरुआती 6 अनुसूचियों में अटकते हुए नजर आते हैं, बाकी अन्य 7वीं 8वीं और जो बाद में जो चारों अनुसूचियां जोड़ी है हमने वो इजीली हमको याद हो जाती है। इसलिए मैंने शुरुआती जो 6 अनुसूचियां है उसको एक कोड में डाला है और कोड है राणा भवी सरा असेंटी अमी मैत्री। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राणा भवी सरा एस एन टी अमी मैत्री। इसकी फुल फॉर्म है, राणा की फुल फॉर्म है राज्यों के नाम सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र, भवी की फुल फॉर्म है भत्ते और विशेषाधिकार, स की फुल फॉर्म है शपथ, रा की है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एस एन टी की फुल फॉर्म है, एस का मतलब होता है शेड्यूल्ड और टी का मतलब होता है ट्राइबल, अर्थात शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूचित और टी का मतलब होता है ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय, अर्थात अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इसी प्रकार अमी मैत्री की फुल फॉर्म होती है असम मिजोरम, ए का असम, मी का मिजोरम, मे का मेघालय और त्री का त्रिपुरा। तो असम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय और प्रशासन क्षेत्र के बारे में वर्णन हमें 6 अनुसूची में मिलता है। तो ये राणा भवी सरा अमी मैत्री जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अनुसूची को अभिव्यक्त करता है। तो अगर हम इसके बाद की अनुसूचियों की बात करना चाहें तो 7वीं अनुसूची विषयों के बारे में है, तीनों जो हमारे विषय है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में है, शुरुआत में जो 14 थी बाद में 22 हो गई है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची दल बदल से और 11वीं और 12वीं अनुसूची गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करती हुई ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में है। अगर हम पहली अनुसूची को एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है राणा, अर्थात राज्यों के नाम सीमाएं और क्षेत्र। तो भारत में राज्यों के अलावा और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र, अर्थात राज्यों के जितने राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जो बाद में अभी एक नियम आने वाला है कि 8 ही हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो इन तमाम 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, इनका न्यायिक क्षेत्र कितना है वो उल्लेखित है, इनकी सीमाएं क्या हैं वो उल्लेखित है और इनका निर्माण कहाँ कहाँ से हुआ है, इन सभी बातों का उल्लेख हम पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। इनका जो संबंध अगर हम अनुच्छेदों से देखना चाहें तो अनुच्छेद 1 और 4 इस अनुसूची से संबंधित है। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करना चाहें तो दूसरी अनुसूची में भत्ते और विशेषाधिकार का वर्णन है। कुछ गणमान्य व्यक्तियों के भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। किन गणमान्य व्यक्तियों का वर्णित है, इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं कि केंद्रीय स्तर पर होती है संसद और राज्य स्तर पर होती है राज्य विधान मंडल। संसद के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में होता है राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधानमंडल। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये है संसद, इस संसद में है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो लोकसभा जो होती है उसका एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति होता है, उपसभापति होता है, ठीक राज्यों में इसकी कॉपी होती है। राज्य विधानसभा जो है वो लोकसभा के इक्वलेंट है, यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इसी प्रकार से राज्य विधान परिषद जो कि राज्यसभा के इक्वलेंट है, यहाँ पर सभापति और उपसभापति होता है। यही है हमारी दूसरी अनुसूची की ट्रिक, अर्थात राष्ट्रपति किन किन के भत्ते और विशेषाधिकारों का वर्णन है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसी प्रकार से केंद्र से हम लोकसभा का अध्यक्ष लेंगे, इधर से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्य विधान परिषद का उपसभापति। इसके अलावा जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीश भी यहाँ पर सम्मिलित है। और इसके अलावा एक और जो व्यक्ति है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात केग ऑफ इंडिया, अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके भी भत्ते और विशेषाधिकार इस अनुसूची में वर्णित है। इस प्रकार से 13 व्यक्तियों, गणमान्य व्यक्तियों के भत्ते और विशेषाधिकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसके याद करने की ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बता दी है कि संसद और विधानमंडल का चित्र बना के और वहां पर हम इनको सबको सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें, अर्थात मतलब शपथ, तो किन गणमान्य व्यक्तियों की शपथ यहां पर उल्लेखित है, तो सबसे पहले
यहाँ पर मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि जब भी हम चुनाव आयोजित कराते हैं तो कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, कलेक्टर साहब को जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। तो एक तो वो अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ने के लिए आया है उसको भी हम जो शपथ दिलाते हैं वो यहाँ पर उल्लेखित है। इस प्रकार अगर वो चुनाव लड़ेगा तो वो हो सकता है विधानसभा या फिर जो संसद है उसका सदस्य बन जावे। इसी प्रकार से अगर वो संसद और विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो उसकी मंत्री बनने की संभावना भी होती है। यही है हमारी ट्रिक, अर्थात निर्वाचन का जो अभ्यर्थी है वो संसद का सदस्य बन जाता है तो, और अगर वो मंत्री बन जाता है। इन तीनों व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख हमें अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला व्यक्ति है कि संसद में निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के चुनाव लड़ने वाले जितने भी निर्वाचन अभ्यर्थी है उनकी शपथ का वर्णन हमें अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में जो निर्वाचन अभ्यर्थी है उनकी शपथ भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार जितने भी संसद के सदस्य है उनकी शपथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। राज्य विधानमंडल में जितने सदस्य है उनकी शपथ भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से संघ में जो भी मंत्री है और राज्य में जो भी मंत्री है उनकी शपथ भी हमको देखने को मिलती है। तीनों जो गणमान्य व्यक्ति वहां पर थे वो यहाँ पर भी है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और केग ऑफ इंडिया अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का जो है वो भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पर हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो इस अनुसूची में सम्मिलित है वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यपाल है उसकी शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 159 अर्थात 159 और राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 60 के अंदर, इसीलिए यहाँ पर उनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। हम जो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे उनको किस बात की शपथ दिलाएंगे? कि वो संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से पालन करेंगे और वो देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे और वो अपने कर्तव्यों को शुद्ध अंतःकरण से पालन करेंगे, इस बात की शपथ उनको दिलाते हैं। जैसे कि जो संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी है उनको तो यहाँ तक शपथ दिलाएंगे कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे। अगर जब वो कुछ काम करने लग जाएंगे तो उनको ये भी कहेंगे कि आप अपने कृत्यों को शुद्ध अंतकरण से करो, ऐसी भी शपथ लो। शपथ जो है गोपनीयता और इनकी दिलाई भी जाती है। तो इन शपथ का उल्लेख हमें अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो रा मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात जितने भी हमारे यहाँ पर राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, तो इनको हमने राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है इनका उल्लेख हमें अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थान में 10 सीटें आवंटित की गई है, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित की गई है। इसी प्रकार से अगर हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी बात करें तो वहाँ पर 3 सीटें आवंटित की गई है, पुदुचेरी को 1 सीट आवंटित की गई है। इस प्रकार से सभी राज्यों को हमने कुछ कुछ सीटें आवंटित की गई है जिसका उल्लेख हमें चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है SNT शेड्यूल्ड एंड ट्राइब अर्थात अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा वो हमें पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर भारत में जितने भी जनजातीय क्षेत्र अर्थात शेड्यूल एरिया जितने भी है मतलब जनजातियाँ जहाँ पर निवास करती है उनको कुछ विशेष अधिकार हमने दिए हुए हैं, अर्थात जो जनजातीय क्षेत्र है वो अधिकार हमने इसलिए भी दिए हुए हैं क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है वो हमारे विकासशील समाज के साथ या विकसित समाज या आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते हैं। इसलिए राज्य की कार्यपालिका हो या केंद्र की कार्यपालिका हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो, इनको कुछ हमने विशेष अधिकार दिए हैं कि इनका कुछ विशेष ख्याल रखा जावे और इनको कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता दी जावे ताकि इनका विकास सही ढंग से हो पाए। तो इसके तहत यहाँ पर जो है जिला परिषदें या फिर जो इनकी ग्राम सभाएं हैं इनको कुछ ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं ताकि इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो और ये अपने ढंग से अपने विकास का तरीका खोज पाए। इसके अलावा अगर हम छठी अनुसूची की बात करें अर्थात असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा उसके उपबंध हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पांचवी अनुसूची में हमने इन चारों राज्यों को सम्मिलित नहीं किया था, अर्थात असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को हमने पांचवी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया है। पांचवी अनुसूची में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया है? भारत में जितनी भी अन्य क्षेत्रों अन्य राज्यों में जो जनजातियां निवास करती है अर्थात जैसे कि राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहां पर भी अगर कोई जनजातियां निवास करती है तो उसका उल्लेख हमें पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है। छठी अनुसूची में केवल इन चारों राज्यों के बारे में ही
कुछ उल्लेख किया गया है कि वहाँ के राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार होंगे, वहाँ पे खनिज कल्याण मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा इनको, और जो राष्ट्रपति है वो इनसे रिपोर्ट मांग सकता है, वहाँ पर संसद के कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे, राज्य विधानसभा के कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे, उसका डिसीजन लेने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। इस प्रकार से कुछ विशेष उपबंधों का वर्णन पाँचवीं और छठी अनुसूची में देखने को मिलता है जो कि जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। अगर मैं सातवीं अनुसूची को आपके समक्ष व्याख्या करना चाहूँ तो सातवीं अनुसूची में तीन विषयों का वर्णन मिलता है, एक तो संघ सूची के विषय होते हैं, एक राज्य सूची के विषय और एक समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची में जो शुरुआत में 97वीं विषय थे, अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी 61 ही विषय हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जो कि पहले 47 विषय थे। तो 42वें संविधान संशोधन में हमने राज्य सूची में से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाले थे, इसलिए ये हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर मैं संघ सूची की बात करूं तो आप खुद भी सोचेंगे तो संघ सूची में वैसे विषय सम्मिलित किए जाएंगे जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, बजाय के राज्यों को अलग अलग अधिकार देने के पूरे भारत को आपको लगेगा कि नहीं ये अधिकार तो पूरे भारत को ही मिलने चाहिए, अर्थात संसद को ही मिलने चाहिए ताकि वो कानून बना सके। जैसे कि अगर पाकिस्तान के प्रति या किसी भी अन्य विदेश जो देश है पड़ोसी है उसके प्रति कोई विदेश नीति अगर हमें बनानी होगी तो वो पूरी की पूरी भारत की होनी चाहिए, न कि राजस्थान की और जम्मू कश्मीर की अलग अलग विदेश नीति हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो संसद की पूरी एक विदेश नीति होगी जो कि पूरे भारत की विदेश नीति को अभिव्यक्त करेगा। तो संघ सूची में हमने विदेश नीति और विदेश समस्याओं से संबंधित मामलों को सम्मिलित किया है। इसके अलावा पूरे भारत की एकल नागरिकता, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो नागरिकता से संबंधित अगर कोई संशोधन करना होगा तो भी हमने उसको संघ सूची में शामिल किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो RBI जो नोट और करेंसी जारी करती है वो पूरे भारत में एक सी है, ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में अलग से करेंसी है और आंध्र प्रदेश में कोई अलग करेंसी चल रही हो, पूरे भारत में समान करेंसी है। अर्थात करेंसी और बैंकिंग से संबंधित कोई भी नियम कानून अगर हमें परिवर्तन करने होंगे तो वो हमने संघ सूची के तहत संसद के हाथ में ये शक्ति सौंपी है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी संचार और बीमा से संबंधित कानून है, जितनी भी संचार सेवाएं हैं या फिर LIC या जितनी भी प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनसे संबंधित भी अगर कोई नियम संशोधित करना पड़ेगा तो भी हमने संघ सूची के जरिए संसद का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर आपको बात बताना चाहूं कि हमारे यहां पर जितनी भी वायु सेवा है, रेल सेवा है या फिर जितने भी समुद्रीय और अंतर्देशीय जलीय मार्ग है, उन सब का भी वर्णन हमें संघीय सूची में देखने को मिलता है। जितने भी हमारे यहां पर बंदरगाह है, पोत और पतन से संबंधित कोई भी कानून है तो हमें संघ सूची के जरिए संसद का सहारा लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई बड़ा नुकसान हो सकता हो, कोई विस्फोटक सामग्री हो या कोई परमाणु हथियार से संबंधित कोई पदार्थ हो या कोई ज्वलनशील सामग्री हो, उसको भी हमने यहां पर सम्मिलित किया है। विस्फोटक पदार्थ, परमाणु, खनिज तेल और ज्वलनशील पदार्थों को भी हमने संघ सूची में सम्मिलित किया है। इसके अलावा जो कृषि की जो आय होती है वो राज्य सूची का अंग होती है, तो कृषि से भिन्न आय केंद्र सूची का अंग होगी, केंद्र कृषि से भिन्न आय हमारी संघीय सूची का अंग है। इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो कर लगाया जाता है, अर्थात निगम कर जो होता है, वो भी संघीय सूची का विषय है। इसके अलावा स्टाम्प और समाचार पत्रों पर अगर कोई कर लगाया जाए वो भी संघ सूची का विषय है। पेटेंट और बाट माप से संबंधित कुछ भी मामले अगर हम उनके मानकों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो भी संघ सूची का विषय है। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है कि राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारकें होगी उनके उनसे संबंधित अगर कोई संशोधन करना चाहें हम तो वो भी संघ सूची का अंग होंगे। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि जनता से सीधे रूप से जुड़ी हुई हो, अर्थात जैसे कि स्थानीय शासन की बात हो गई हो, जैसे कि चिकित्सा की बात हो गई हो, जैसे कि हम अगर और बात करना चाहें लोक व्यवस्था, पुलिस और न्याय व्यवस्था, इसकी बात अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पर करेंगे। अर्थात स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य अर्थात चिकित्सा से संबंधित कोई नियम बनाने हो तो राज्य सूची के जरिए राज्य विधानमंडल ही बना सकती है। लोक व्यवस्था की बात हो या फिर लोक सेवा, पुलिस, जेल, कारावास, ये सारी बातें राज्य सूची के अंतर्गत हमने सम्मिलित की है। अब अगर हम संघीय समवर्ती सूची की बात करना चाहे तो समवर्ती सूची में मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाना चाहूँगा कि जैसे न्याय प्रशासन, सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो है न्याय प्रशासन, अर्थात न्याय जो प्रशासन है वहाँ पर दो प्रकार के मामले देखे जाते हैं। न्यायालय में दो प्रकार के मामले देखे जाते हैं, एक तो होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता भी
समवर्ती सूची में सम्मिलित होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता में जैसे कि विवाह और तलाक के संबंधित मामले देखे जाते हैं तो वो इसमें समवर्ती सूची में सम्मिलित है। और अगर मैं दूसरी कहानी की तरफ बढ़ना चाहूँ तो अगर हमें देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है तो हमें इसकी जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों विषय भी हमने समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए हैं, अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण को हमने समवर्ती सूची में शामिल किया है। अगर मैं तीसरी कहानी की तरफ बढ़ना चाहूँ तो बिजली के तारों में जो बिजली होती है, सपोज कि वो कारखानों में गई, और कारखानों में कौन काम करते हैं? श्रमिक काम करते हैं, और श्रमिक क्या काम करते हैं? पुस्तक छापने और अखबार छापने का काम करते हैं। तो पुस्तकें छापाखाने में छपती है और अखबार प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। तो ये पांचों विषय भी समवर्ती सूची में सम्मिलित है। सबसे पहले बिजली थी, बिजली कहां पर गई? कारखानों में। कारखानों में कौन काम कर रहे हैं? श्रमिक, और श्रमिक वहां पर पुस्तक और समाचार पत्र छाप रहे हैं, अर्थात छापाखाना और प्रिंटिंग प्रेस। तो बिजली से, बिजली विभाग से संबंधित कोई कानून बनाना हो, या कारखानों से संबंधित किसी नियम में कोई संशोधन करना हो, या श्रमिक कल्याण से संबंधित कोई कानून बनाना हो, या इन चारों विषयों से संबंधित कोई कानून बनाना हो, तो भी हमें समवर्ती सूची में समवर्ती सूची का सहारा लेंगे, अर्थात इन विषयों को हमने समवर्ती सूची में सम्मिलित किया है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने 5 विषयों को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया था। इन 5 विषयों में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय था वो था शिक्षा। पहले शिक्षा पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी, अर्थात राज्य विधानमंडल ही, परंतु अब इसको समवर्ती सूची में शामिल करने के पश्चात न केवल संसद बल्कि राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है, परंतु अगर इन दोनों में टकराव हो जाए तो वहां पर संसद की बात मान्य होगी बजाय के राज्य विधानमंडल के। इसके अलावा हमने यहाँ पर वन और वन्य जीव कल्याण की बात शामिल की है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अगर इतर न्यायालयों के गठन करना हो तो भी हमने समवर्ती सूची के अंतर्गत उसको यह अधिकार दिया है। इसके अलावा बाट और मापतोल जैसे यहाँ पर आया था, तो मानक से इतर अगर कोई काम करना हो तो उसे भी हमने समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इस प्रकार 7वीं अनुसूची में हम इन सारे विषयों को सम्मिलित किया है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि विषय तो इतने सारे हैं, परंतु ये मैंने ट्रिक के रूप में जो आपको बताया है इसलिए आपको कम दिख रही होगी, बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे विषय सम्मिलित हैं। अगर हम इसके आगे बात करना चाहें कि हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं वो मूल रूप से 14 थी, और बाद में संशोधन करके उसको 22 कर दिया, तो जो मूल रूप से 14 थी, जैसे कि आप सभी राज्य और उनके जो लैंग्वेजेज है उससे अवगत होंगे ही सही, मैं आपको एक बार मैप जो बनाया हुआ है उसके अनुसार रिपीट कर देता हूँ कि कश्मीर में कश्मीरी बोली जाएगी, पंजाब में दूसरी पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, छठी जो भाषा है गुजराती, गुजरात में मराठी, महाराष्ट्र में कन्नड़, कर्नाटक में मलयालम, केरल में तमिल, तमिलनाडु में तेलुगु, सीमांध्रा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ओडिया, ओडिशा में बांग्ला, पश्चिमी बंगाल में और असमिया असम में। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं वो हमने बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी है, जैसे कि जो पहला संविधान जो हमने ये संविधान संशोधन किया है उसके तहत सिंधी लैंग्वेज जोड़ी, उसके बाद में जो संविधान संशोधन 71वां हुआ है उसके तहत हमने एक बड़ा वाला ट्रायंगल जोड़ा। इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो गोवा में लैंग्वेज बोली जाती है कोंकणी, तो पहली लैंग्वेज है बड़े ट्रायंगल की कोंकणी। दूसरी नेपाल से सटे हुए इलाकों में बोली जाती है नेपाली, दूसरी लैंग्वेज है नेपाली, और तीसरी मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी। तो 71वें संविधान संशोधन में हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को ऐड किया, अर्थात इस बड़े वाले ट्रायंगल की लैंग्वेजेस को ऐड किया। अगर मैं 92वें संविधान संशोधन की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल को ऐड किया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी 3-4 लैंग्वेजेस सम्मिलित है, जैसे कि जो मिथिलांचल वाला एरिया है बिहार का, वहाँ पर मैथिली बोली जाती है वो, झारखंड का जो संथाल वाला एरिया है वहाँ पर संथाली बोली जाती है वो, और पश्चिमी बंगाल का जो बोडो वाला एरिया है, मतलब उत्तरी वाला जो एरिया है, चिकन नेक वाला एरिया जो है वहाँ पर जो बोडो बोली जाती है वो। इसके अलावा कश्मीर में और जो उत्तरा कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में जो डोंगरी लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी हमने 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इस प्रकार से 14 लैंग्वेज ये, 15वीं लैंग्वेज सिंधी, उसके बाद में जो 3 लैंग्वेज बड़े ट्रायंगल वाली 18, और 4 जो ये छोटे ट्रायंगल प्लस डोंगरी, टोटल 22 लैंग्वेज हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित हो गई है। अगर मैं यहाँ पर इन संविधान संशोधन को याद करने की ट्रिक आपको देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 21 और 71 में कितने का डिफरेंस होता है? 50 का। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी जोड़ी गई, इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने ये 3 बड़े ट्राइंगल वाली लैंग्वेज जोड़ी गई। अब यहाँ पर देखिए 92 और यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन 2003,
तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं कि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन में हमने ये लैंग्वेज जोड़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो वो आप तक सीधा पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची की कहानी की बात करना चाहें तो 9वीं अनुसूची जो है हमें सम्मिलित करने की कहां जरूरत पड़ी कि हमने इसको सम्मिलित किया, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में हमने संविधान के अंतर्गत सम्मिलित की है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमें पहला ही संविधान संशोधन अनुसूची 9 को जोड़ने के लिए करना पड़ा? तो देखिए दोस्तों, आप सभी अवगत है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही जो है जमींदारी और सामंतवादी प्रथा चली आ रही थी। अंग्रेजों ने उसको और प्रबल किया और स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। इसके बलबूते पर जमींदार और राजाओं के पास काफ़ी सारी जमीन इकट्ठा हो गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारे नेता थे वो इस जमीन को चकबंदी और हदबंदी के तहत थोड़ा लिमिटेड करना चाहते थे, लोगों में थोड़ा वितरित करना चाहते थे। तो इसके तहत उन्होंने उनकी जमीन में जमीन को चकबंदी और हदबंदी करने के लिए और अन्य सुधारों के लिए भूमि सुधार कानून लाए। परंतु जो जमींदार थे वो जैसे ही ये भूमि सुधार करने लगते वैसे ही वो जमींदार न्यायालय में चले जाते और कहते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है, आप हमारी संपत्ति ऐसे नहीं छीन सकते। तो इस असमंजस की स्थिति से निकलने के लिए उस समय की राष्ट्रीय सरकार ने पहला संविधान संशोधन लाया और 9वीं अनुसूची को इसमें सम्मिलित किया। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत उन्होंने ये प्रावधान किया कि अगर हम भूमि सुधार से रिलेटेड कोई भी कानून लाते हैं और अगर हमने उस कानून को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया है तो न्यायालय में उस पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात न्यायालय उस बात की समीक्षा नहीं करेगा, अर्थात न्यायालय इन कानूनों का पुनरावलोकन कतई नहीं कर पाएगा। इसके बाद में इन जमींदारों के पास जो अधिकार था न्यायालय में जाने का वो अधिकार समाप्त हो गया और तमाम सारे भूमि सुधार कानून अभी हमारे 9वीं अनुसूची का अंग है। परंतु संसद ने इस 9वीं अनुसूची का बेजा फायदा जैसे ही उठाना आरंभ कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने परेशान होकर 2007 में एक डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद में जितने भी कानून आपने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया है उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अर्थात संसद जब अति करने लग गई इस अनुसूची के जरिए तो न्यायपालिका ने इस पे चेक एंड बैलेंस लगाते हुए ये कह दिया कि अब इस अनुसूची में भी सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इसके अलावा अगर हम 10वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो 1967 के अंतर्गत हरियाणा में एक विधायक हुए थे गयालाल, उस बंदे ने एक दिन के अंतर्गत 3 पार्टियां बदली थी। तो ऐसे दल बदलों से छुटकारा पाने के लिए हमने 10वीं अनुसूची संविधान के अंतर्गत सम्मिलित की है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके तहत हमने ये कहा है कि किसी भी दल से संबंधित अगर एक तिहाई व्यक्ति उससे अलग नहीं होते हैं तब तक वो जो अलग होना है वो वैध नहीं समझा जाएगा। अर्थात जैसे कि सपोज 75 विधायक किसी पार्टी में हैं तो जब तक 25 विधायक अलग से पार्टी नहीं बना लेंगे तब तक उस पार्टी से अलग नहीं हो सकते। परंतु इसका बेजा फायदा उठाया जाने लगा तो फिर बाद में सरकार ने 91वें संविधान संशोधन 2003 का के तहत इस एक तिहाई को बदलकर 2/3 कर दिया। अर्थात अब 2/3 व्यक्ति अगर किसी दल से अलग नहीं होते हैं तब तक वो वैध नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज किसी दल में 75 विधायक है तो 50 विधायक जब तक उनसे अलग नहीं होंगे तब तक वो वैध नहीं मानेंगे। उन 50 विधायक भी अलग होंगे तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया जाएगा और उनकी संसद की सदस्यता भी हो सकता है रद्द किया जा सके। तो हमने इन दल बदलों से छुटकारा पाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया है जिसके तहत हमने कुछ कानून बनाए हैं, कुछ और कानूनों की इसमें ऐड करने की मांग की जा रही है क्योंकि इसका भी अभी बेजा फायदा उठाया जा रहा है जैसा कि अभी हाल ही के चुनाव में देखने को मिला है। इसके बाद में अगर 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करना चाहें तो 11वीं अनुसूची के तहत हमने ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची के तहत हमने नगर पालिका का सम्मिलन किया है। तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के तहत हमने संविधान में 9वां भाग और 12वीं अनुसूची के तहत हमने संविधान में 9A भाग जोड़ा है। 11वीं अनुसूची में जो विषय वर्णित है वो 29 विषय वर्णित है और 12वीं अनुसूची में हमने 18 विषय वर्णित है। इनके बारे में विस्तार से वैसे हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे इनका। अगर हम देखना चाहें तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में वर्णन किस बात का है तो यहाँ पर वर्णन है हमारा
ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के प्राधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियों का, अर्थात उनको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से अधिकार होंगे, उन सबका उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये आपकी भारतीय संविधान की सारी अनुसूचियाँ हो गई, जिसमें ये शुरुआती जो 6 अनुसूचियाँ हैं उसकी ट्रिक है राणा भवीसरा असेंटी अमी मैत्री। इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में कहीं भी आप अटकेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक और नया इनिशिएटिव ये भी लेने जा रहे हैं कि ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ भी मटेरियल लिखा हुआ है उसकी एक PDF बना के उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच्ड कर देंगे, आप उसको वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्योरी है, कोई शिकायत है या कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं या हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9928001400 जो नंबर है उस पर WhatsApp मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और वीडियो पसंद करने के लिए।